मुझे लगता है कि आप लोग जब भी संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें आप एक केस सुनते होंगे, केशवानंद भारती केस। तो आपने देखा है कि किस तरह से उसने लोकतंत्र को एक मजबूत आधार दिया। आज क्या हुआ, आज क्यों चर्चा में है ये, क्योंकि आपने देखा है कि केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में निर्धन हो गया है। गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को, कब, 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। तो मुझे लगता है कि इस बार आपका क्वेश्चन इससे बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो जान लेते हैं इनके बारे में, विभिन्न पक्षों को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले केरल देख लीजिए आप लोग एक बार मैप्स में, क्या केरल के बारे में जान लीजिए। किसके, केरल के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए कि केरल, जब भी आप लोगों के मन में केरल का जिक्र आता है तो फिर चाहे कोई भी इंडेक्स आता है उसमें आप केरल को नंबर वन पर देखते हैं। शिक्षा के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, फिर चाहे आप लोग महिलाओं की स्थिति के मामले में ले लीजिए, लिंगानुपात के मामले में ले लीजिए। कहा जाता है कि जब केरल बाकी उत्तर भारत या बाकी क्षेत्रों में चुनाव जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते थे, उस समय केरल में आपकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इस तरह के मुद्दे हुआ करते थे। और आप सभी जानते हैं कि अगर इस तरह के मुद्दे रहे तो देश ही नहीं, जहां भी इस तरह के मुद्दे उपयोग होंगे वो देश हमेशा तरक्की करेगा। तो केरल आप समझ रहे हैं कितना तरक्की कर चुका है। तो मैं तो कहता हूं पूरे देश में इसी तरह के मुद्दे होने चाहिए, जातिवादी को छोड़कर। बिहार को आप सबसे नीचे देखते हैं, बिहार को सबसे नीचे देखते हैं हर कैटेगरी में। अभी देख लीजिए सुशांत वाले मामले को लेकर पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए, एक मुद्दा बना लिया गया है वोट बैंक के लिए। तो ये है आपका केरल, तिरुवनंतपुरम, ठीक है केरल। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं याद रखिए, आप देखेंगे कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है और तमिलनाडु से भी, ठीक है। और इसमें इसकी स्थापना की बात करें तो राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। और ठीक है, तो ये हाल है केरल का। और अगर आपसे विधानसभा सीटें में अगर पूछे कभी, या राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, तो याद रखिए लोकसभा सीटें यहाँ 20 है और राज्यसभा सीटें 9 है और विधानसभा सीटें यहाँ 140 है। कितनी, 140, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना गया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं, एक तरह से संविधान को हमारी आधारभूत एक तरह से मजबूत बनाया है इस केस में। केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद भारती वर्ष 1961 में ही केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। केशवानंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आज भी हम लोग याद करते हैं और भविष्य में भी याद रहेंगे हमेशा। क्योंकि आप समझिए इतिहास, इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप क्या आज कर रहे हैं वो इतिहास बनेगा। अगर आप कुछ काम करते हैं अच्छा समाज के लिए या देश के लिए तो आप हमेशा याद रखे जाओगे, और नहीं करोगे तो आप सोचिए जिंदगी आपकी कितनी होती है, 100 साल। और देखिए आज की ये टाइम में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोरोना ने आपकी औकात याद दिला दी है। बाल से भी कई गुना छोटा है फिर भी वो कहता है कि आप स्थायी हैं, कभी भी लटक सकते हैं। तो जितने दिन जिया करिएगा अच्छे से जिया करिएगा। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था जो कि अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी, याद रखिए केशवानंद भारती मामले में। इस मामले की सुनवाई कुल 6 मई तक तकरीबन 68 कार्य दिवसों में पूरी की गई थी। तो याद रखना 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ सबसे बड़ी अभी तक की यही है। केशवानंद भारती बाद की पृष्ठभूमि की बात करें तो किसी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है। इस दस्तावेज के आधार पर देश में अन्य सभी कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। एक बात आप लोग भी जानिए कि हमारे देश में कई तरह के धर्म है,
समुदाय है। आप सोचिए, अगर राष्ट्रवाद को अगर बढ़ावा दिया है किसने, तो संविधान और राष्ट्रध्वज। आप सोचिए, अगर संविधान पर से सबका भरोसा उठ जाए, तो आप सोचिए भारत के पता नहीं कितने टुकड़ों में बट सकता है। हर राज्य कहेगा कि हमें अपने अलग देश बनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो संविधान पर हर किसी को भरोसा रहता है एक तरह से। कई देशों के संविधानों में उसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधन के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान की गई है। इन विशिष्ट हिस्सों को संविधान के अन्य हिस्सों की तुलना में खास दर्जा भी दिया गया है। और राज्य याद रखिए, उस समय भी लोग जानते थे कि सरकारें आएंगी, इस तरह के नेता आएंगे जो अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकेंगे। और अपने हिसाब से अगर संविधान में आसानी से संशोधन हो सकता है, तो कई सरकारें आती और अपने मनमाने तरीके से करती रहती हैं उसमें। समझ रहे हैं? भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार बाद 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार बाद 1965 में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी थी इन दोनों केसों में। ठीक है, बाद के वर्षों में जब सत्तारूढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद 1967 में अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए निर्णय दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। ये मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं करने की शक्ति कब आई? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद 1967 के निर्णय के बाद। ठीक है, फिर आपका 1970 आता है, 1970 का दशक। इसी शुरुआत में तत्कालीन सरकार ने आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970, माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 और पूर्व उल्लेखित गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन 24 बार, 25 बार, 26 बार और 29 बार किए गए। एक बात और याद की, इन केसों को भी आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और जब भी आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं। इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दी गई। असल में इस मामले में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के दो राज्य भूमि सुधार कानून से राहत की मांग की गई थी। दरअसल 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत राज्य सरकार ने जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि के अधिग्रहण कर लिया। इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दी गई थी। कहने का मतलब है कि आप देखिए, आजादी होती है, उसके बाद आजादी मिलती है, उसके बाद सभी जिसके पास अधिक भूमि थी उसमें से उन्होंने जब्ती का, एक तरह से आप कहिए कि अधिग्रहण का कानून लाया गया और सबको बराबर बांटने की बात की गई। आपने ये समय देखा भी हुआ, ज्योति बापू लेके नाम भी सुनते रहते आप लोग, समझ रहे हैं? तो इनमें इसी निर्णय में चुनौती दी गई इस मामले को। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संविधान की मूल संरचना, चूंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया है। याद रखिए, जब कोई आपकी खंडपीठ होती हो कम न्यायाधीशों की, जैसे 11 की थी, उसने निर्णय दे दिया, उसे अगर चुनौती मिलती है तो इससे बड़ी ही हमेशा देखा जाता है कि बड़ी न्यायाधीशों की, मतलब अधिक न्यायाधीशों की खंडपीठ गठन की जाती है गठित। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिले और खंडपीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस तरह के मामले की बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये आप सोचिए 11, 13, 5, 7, 9 इस तरह की संख्या क्यों ली जाती है इसमें न्यायाधीश, मतलब सम संख्या क्यों नहीं ली जाती है, विषम संख्या क्यों ली जाती है? तो मैं एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग इस बात को, कि जैसे 13 न्यायाधीशों की पीठ है, तो आप सोचिए 7 एक पक्ष में है, 6 एक पक्ष में, मतलब निर्णय कम से कम पक्ष में है, 7 के ऊपर सही रहेगा। आप सोचिए 12 न्यायाधीशों की पीठ होती तो 6 इसमें हो गए थे, 6 इस तरफ हो जाती, तो एक तरह से बराबर का निर्णय हो जाता। फिर आप सोचिए फिर दिक्कत होती, तो इससे कम से कम कि आप फैसला हो जाता है,
ठीक है, बराबरी का कोई बोट बन नहीं रहता है कि बराबरी बराबर बोट पड़ गए, छह इस पक्ष में छह उस पक्ष में, फिर क्या होगा इसका, तो इस तरह के सवाल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लिया कि अगर 12 होते तो छह छह हो जाते, निर्णय का क्या होता, फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, तो 7 6 यानी कि निर्णय साफ है कि 7 के पक्ष में जाएगा। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 को, जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है, के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। समझ रहे? अब बात करते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाजी शासन के बाद कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी। इन्हीं प्रावधानों का उपयोग हिटलर द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए किया गया था। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के एक नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएं लागू की गई हैं। कहने का मतलब है कि अभी भी आप देखते हैं, कहा जाए कि 2/3 जिसका बहुमत है वो संशोधन कर सकता है, या राज्य सरकार, या आप सोचिए राज्यसभा में या लोकसभा में, तो सरकारें आप देखते हैं कि ऐसा देखने को मिल जाता है हमेशा। तो कुछ सीमाएं होनी चाहिए कि उनके पास बहुमत होने के बाद भी वो लोग इसमें संशोधन ना कर सकें। भारत में मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानून की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया। हालांकि बुनियादी संरचना क्या है या निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है, यह अभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है, किंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल है। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। लास्ट में यही है कि यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में एड़नीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी थी, किंतु इस मामले में से भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे आलोकतांत्रिक सिद्धांत भी मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों के बनाए कानून को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन ये अभी भी देखने को मिलता है कि आखिर आधार इसके क्या है। संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है, आखिर आधारभूत संरचना है क्या, इस पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो इस केस को आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे अब लगता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और वैसे भी संविधान पढ़ते हैं तो इस केस को हमेशा याद आपको रखना चाहिए कि किस मामले में है, कहां से है, ठीक है।